नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां प्रीता पृथ्वी को ले आती है कोर्ट के अंदर। जी हां, क्योंकि अब एक बार फिर से पृथ्वी के उस केस पर सुनवाई हो रही है कि जो कि झूठे आरोप में पहले से ही करण जेल में मौजूद थे। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि करण ने कोई भी मैच फिक्सिंग नहीं की है, लेकिन लगातार आरोपों के चलते जो कि करण के खिलाफ कुछ सबूत जा रहे थे, जिसकी वजह से करण को जेल में रहना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, अब फाइनली करण का केस एक बार फिर से ओपन हो चुका है और सुनवाई के दौरान जो कि प्रीता ने एक बार फिर से इधर बात की जाए तो उनके साथ देती हुई नजर आ रही हैं सृष्टि और समीर। जी हां, जिसमें कि पृथ्वी के खिलाफ जितने भी सबूत थे सब के सब कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस तरीका की पृथ्वी को सजा होती है, क्योंकि पृथ्वी ने कई गुनाह किए थे। एक इज्जतदार क्रिकेटर यानी कि करण लूथरा को मैच फिक्सिंग के आरोप में, झूठे आरोप में गिरफ्तार करवाया था। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी ने कितने आरोप ऐसे किए हैं कि जिसकी सजा वो पहले भी काट चुका है और उसे काटनी बाकी है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी काफ़ी बड़ा गुनहगार है और इसने जो काम किया है ये वाकई में बहुत गलत किया है, क्योंकि संगीत के साथ में उसने जो एक बहुत ही गंदा काम करने के बावजूद जो कि करण को उल्टी धमकी देता हुआ नजर आएगा कि करण, मैं तुझे जेल से बाहर आने के बाद मैं देखूंगा। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फिलहाल प्रीता और करण के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि जैसे ही करण लूथरा हाउस लौटेंगे और उसे प्रीता की सच्चाई का पता लगेगा कि प्रीता ने फंसाया नहीं बल्कि उल्टा बचाया है। फंसाने वाला तो पृथ्वी था जो कि इतने समय से प्रयास कर रहा है, और पृथ्वी ने सबूत के लिए जो कि प्रीता को जान से मारने की कोशिश भी की थी। आप लोग जानते ही हैं कि जान से मारने की कोशिश में बहुत बड़ा क्राइम होता है, वो क्राइम पहले ही पृथ्वी कर चुका है। आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि जहां करण प्रीता से माफ़ी मांगता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन दोस्तों, दिलचस्प होगा एपिसोड भी देखना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।